मैं बतलाता हूँ उसको कंप्लीट करता हूँ। इनकी क्या है, खाने की छुट्टी हो रही थी तो हम यहाँ थे, तो वो बनता हुआ देख लिया इसने। अब अपन चर्चा कर लेते पूरी। आ गए सब लोग? हाँ। तो हम चर्चा कर रहे थे कि अगरबत्ती में कई सारे वैल्यू एडिशन है। तो ये जो कांडी मेरे हाथ में है, ये भारत में बनती नहीं है। क्यों? क्योंकि टुल्डा वेराइटी का बांस भारत में है नहीं। थोड़ा बहुत आसाम में है, तो वो पतंग बनाने में ना हस्तकला में ख़त्म हो जाता है। अभी अगर मैं बात करूँ, हम जितने व्यक्ति यहाँ पर खड़े हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, अगरबत्ती हर एक के घर में जलती है। एक छोटा सा फाइन ट्यून करके समझना, 135 करोड़ की जनता है, ठीक है, कम से कम 50 करोड़ घर होंगे ना। 135 करोड़ की जनता है, 50 करोड़ तो मकान घर होंगे, हर 50 करोड़ घर में अगरबत्ती लगती है, वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो। और ये कांडी का पैसा अनचाहे रूप में भारत के बाहर जा रहा है, वो चाइना से आता हो, वियतनाम से आता हो, या कहीं से भी आता हो। क्यों? क्योंकि उन्होंने 30-40 साल पहले 10 लाख हेक्टेयर में बांस लगा चुके हैं चाइना में। 30 साल पहले 10 लाख हेक्टेयर में बांस लगा है। उनको पहले समझ में आ गया था कि बांस नेक्स्ट एनर्जी है वर्ल्ड की, शुद्धिकरण में काम यही करेगा। यहाँ क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि पहले कुछ समय से बांस जंगलों का पेड़ हुआ करता था। तो जंगल का कोई भी पेड़ काटने की परमिशन लो, फिर उसको बेचो। खेत में भी लगाए बाउंड्री पर, तो जंगल का पौधा लगाया तो उसको काट कर बेच नहीं सकते थे। 2016 के बाद से बांस को एग्रीकल्चर में ले लिया है और इसको घास का दर्जा दिया है कि घास कोई भी लगाए, कोई भी काटे, कोई भी बेचे, इसकी खेती करे। तो अब भारत में अवेयरनेस आ रही है, अब भारत में जानकारी आ रही है, गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है और अब सब अवेयरनेस लेके आ रहे हैं कि ठीक है बांस यहाँ पर उगाएं। तो अभी काढ़ी इसलिए नहीं बन रही कि बांस नहीं है। तो पहले तो टुल्डा वेराइटी का बांस बनाना पड़ेगा, फिर उसकी कांडी बनाने की यूनिट डलेगी। तो इसके वैल्यू एडिशन अनेक है अगरबत्ती के। खेती में बांस लगाया, एक वैल्यू एडिशन हुआ, बांस काट करके आपने कांडी बना ली, दूसरा वैल्यू एडिशन हुआ। कांडी बनते समय दो काम होंगे, जितना बांबू है उसका 10-15% कांडी बनेगा, 80-85% पाउडर निकलेगा। इसको साफ फिनिश करने में, ये ऐसा फिनिशिंग करने में पाउडर निकलेगा। तो पाउडर के आप पैलेट्स बना लोगे जो कोयले के रूप में काम में आएंगे जलाने के लिए, ठीक है। दो चीजें हैं, अब कोयला जल रहा है तो फिर पैलेट्स क्यों जलाना है, ये भी प्रश्न आएगा दिमाग। कोयला काफी समय पुराना, नीचे बना करके पड़ा हुआ एक अवशेष है जो अब जल रहा है, तो उसका पॉल्यूशन अलग लेवल का आ रहा है। 500 साल, 1000 साल, 10000 साल से वो दब 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 के कोयला बना, तो अब वो जलेगा तो उसका अवशेष जो निकल रहा है वो अभी के पेड़ पौधे सोख नहीं पा रहे हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग में असर कर रहा है, जिसका ग्रीन हाउस गैसेज में ज़्यादा इमिशन हो रहा है। अभी ये जो लकड़ी है इसको हमने पैलेट्स बनाए या इस लकड़ी को डायरेक्ट जलाया, तो इसकी जो गैस निकलेगी वो अभी के पेड़ पौधे सोख लेंगे। फर्क समझ में आया? कोयला नहीं जलाना, उसकी बजाय अभी की लकड़ी जलाना, ये क्या फर्क है? जो वर्तमान में 2022 की लकड़ी है उसको हमने जलाया, तो ये जो धुआं करेगी तो 2022 के पेड़ पौधे इसके धुएं को सोख लेंगे, ये ओजोन परत में छेद नहीं करेगा, तो वायुमंडल को प्रदूषित नहीं करेगा। ये नए R&D डेटा निकले हैं। तो कोयला अब जलाना बैन हो रहा है, धीरे 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 बंद हो रहा है। जैसे आपके NTPC में भी अभी 5% मैंडेटरी कर दिया है कि कोयला अब जलेगा नहीं, धीरे धीरे हर साल कम करेंगे। तो पहली शुरुआत 5% पैलेट्स की, कि बेम्बू का पैलेट्स या मूंगफली के छिलके का पैलेट्स या एग्रीकल्चर वेस्ट के पैलेट्स बना करके NTPC ने इनवाइट किया है कि आप हमें दो और हम यहाँ से थर्मल पावर प्लांट से बिजली बनाएं। तो हर साल धीरे धीरे ये 5 से 6 होगा, 7 होगा, 10 होगा, और कोयला इधर 100 से 95 होगा, 90 होगा, 85 होगा, इसका लेवल बढ़ाएंगे, इसका लेवल घटाएंगे। तो कांडी और पैलेट्स, ये दूसरा। तीसरा, इसके ऊपर लेपन किया हमने मसाला, जो आपने अंदर देखा अभी। मसाले में क्या है? यही बांबू का भूसा, चारकोल, गम, थोड़ा सा मिश्रण की रेसिपी, वो इसके अंदर लेपन हो गया, तो ये बन गई अगरबत्ती। लेकिन इसमें अभी परफ्यूम नहीं है, ये हुआ वाइट लेबल। पूरे भारत में कई सारे ऐसे ट्रेडर्स हैं जिनको वाइट लेबल चाहिए, जिनका मार्केट सेट है, जिनको बेचने में महारत है, बना नहीं रहे,
ITC है, साइकिल है, ऐसे कई सारे अगरबत्ती इंडस्ट्री से बड़े बड़े जिन्होंने अपनी रेसिपी दी है और उनको चाहिए अगरबत्ती की वाइट लेवल की कांडिया लेपन किया हुआ, उनका सेंट वो डालेंगे, उनका स्टिकर वो लगाएंगे। तो तीसरा वैल्यू एडिशन, आपने वाइट लेवल की काड़ी बनाकर दे दी। चौथा वैल्यू एडिशन, आपने खुद ने अपना रजिस्ट्रेशन किया, मार्को बनाया, आपके चॉइस के हिसाब से परफ्यूम डाला, आपने आपका स्टिकर लगा करके बलराम किसान के नाम से अगरबत्ती बेच दी। चार वैल्यू एडिशन, खेती करी तो 2 रुपए किलो, कांडी बनी तो 20 रुपए किलो, वाइट लेवल बनाया तो 200 रुपए किलो, और अगरबत्ती परफ्यूम VIP सेगमेंट में गए तो 2000 रुपए किलो। हर एक के पीछे जीरो लग रहा है। कब? जब हम किसान समझ लेंगे कि वैल्यू एडिशन अब हमें ही करना है, और वो एक ही रास्ते से होगा, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन से, किसानों का संगठन इकट्ठा हो जाए। अगर हम इस दिशा में जा रहे हैं तो FPOs को 80% तक छूट है, मिनिमम 50 से 80% तक छूट है। समझ में आ रहा है? बांस के पौधे लगाने में भी कुछ सब्सिडियां हैं, बाउंड्री पर लगाओ तब भी, खेत में लगाओ तब भी, कुछ हम उद्योग डालें, कांडी का उद्योग डालें, 50% छूट है, अगरबत्ती उद्योग डालें 50% छूट है, उसको वैल्यू एडिशन करके बेचे 50% छूट है। तो गवर्नमेंट सपोर्ट भी कर रही है, और खुद से आगे बढ़ो, छूट को बाद में देखो, पहले पोर्टफोलियो बनाओ। तो अभी हम चलते हैं खेत में बांस देखने के लिए, ठीक है, आइए।